जय हिंद, जय हिंद बच्चों। चलो, बड़े खुश हो गए। हालांकि मैं आपके सामने नहीं हूं, इंटरनेट के माध्यम से हर किसी के मोबाइल पे, हर किसी के मतलब जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो जो वीडियो देख रहे हैं, उनको एक अंदर से खुशी हो गई। किस बात की? हमारे ऑफिसर, ये होता है भरोसा। और बस इसी भरोसे के कारण मैंने सोचा था यूट्यूब पे नहीं आना, नहीं बनाऊंगा वीडियो, पर अपसेट होता है। अपसेट होने के कारण नहीं, जो बच्चे हमें या मुझे दिल से चाहते हैं, उनके लिए जो मेरे पास समय है, वो समय सही यूटिलाइज करना, दैट इज द पर्पस ऑफ माय, दैट इज माय क्लियर कट पर्पस। सर बातें मत करो, तो सिखाओ कुछ तो भी, क्योंकि अब देखो मैं कुछ भी बात करूं तो आधे से ज्यादा बच्चे सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है। अब जो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट है उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि सर आप बातें बहुत करते हैं। अरे बातें करनी पड़ती है, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। बच्चों को बात करने से उनकी जो लिंक है सोचने की, उनकी सोच और मेरी सोच जब मैच हो जाती है फ्रिक्वेंसी, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। टीचर्स ने क्या, हर जगह पे टीचर्स है, हर टीचर अपनी साइड से सिखाने की कोशिश करता हो, पर गिने चुने टीचर्स होते हैं, उनको बच्चे बहुत ये करते हैं, लाइक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, और फ्रिक्वेंसी इतनी आसानी से मैच नहीं होती। अच्छा अच्छा छोड़ दो, इधर उधर की बात को छोड़ दो, बस आपका जो भरोसा है उस भरोसे को मैं हमेशा के लिए जिंदा रखूंगा। बस मेरे खातिर एक काम करो, क्या काम करो, नीचे कमेंट में करो जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद ऑडियो मास्टर, जय हिंद जय हिंद। ऐसे क्या होता है, मेरे को एनर्जी आती है, और जैसे मैं खुश हो गया तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा डेली कंपल्सरी। आज 10 का है, कोशिश करूंगा कल 9 का कोशिश करूंगा, परसों 8 का, 7 का, 7th 8 9 10 जो भी हो जाए, समय मेरे पास, यूटिलाइज दैट टाइम इन अ वेरी प्रॉपर वे। चलो आज बात करेंगे हम 10th की बात करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसने जिद से पढ़ाई की, कुछ भी करके 10th में उसने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए। कितने? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए। बड़े खुश हो गए घर वाले, स्कूल वाले, सब तरफ बैनर छाप गए पैटर्न में कि टॉप फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100, एक भी मार्क्स कम नहीं, पक्का है, जरूर है कि उसकी सोच उतनी बड़ी है। जब वो पढ़ने के लिए पूना औरंगाबाद कहीं भी गया, क्लास के अंदर बैठा, एक अच्छी क्लास के अंदर, अब वहां का जो टीचर होता है, वहां पे सिर्फ पैटर्न के बच्चे नहीं, वहां पे जो बच्चे आने वाले वो हर स्कूल के टॉपर्स बच्चे होने वाले हैं, क्योंकि वहां बहुत तगड़ी फी होती है, 2-3 लाख फी होती है, पता है सबको पता है। हाँ, अब उसके बीच में आप भी जाकर टपक गए, आपको 100 में से 100 है, कोई बाजू वाला बच्चा उसको 98% है, 98 है, 100 आउट ऑफ 98 है, कोई और बच्चा 96 है, ऐसे ढेर सारे बच्चे और कुछ होंगे एवरेज 70 के आसपास होने वाले। अब वो टीचर इन्हें चेक करेगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की, मेहनत तो हर कोई करता है, क्या एजुकेशन का जो पर्पस है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, एजुकेशन का पर्पस है टू ट्रेन द माइंड, क्या बच्चे का माइंड सही में डेवलप हुआ क्या? अगर बच्चे का माइंड डेवलप हो गया तो वो बच्चा भीड़ के सामने, भीड़ का मतलब 150-200 बच्चे, उस भीड़ के सामने टीचर ने जो क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन द नॉलेज कंसेप्ट, जो होते बेसिक कंसेप्ट किसके, जो तुमने सीखे, उसके भरोसे पे आपको एक क्वेश्चन डाल देगा और पूछेगा क्या इसमें से कोई आंसर दे पाएगा क्या। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हुआ तो जितनी भीड़ है उस भीड़ में से आधी भीड़ बोलने की कोशिश करेंगी, और उस आधी भीड़ में से 4-5 बच्चे होने वाले वो सीधे फेस टू फेस बात करने वाले, बाकी के शांत बैठने वाले। हाँ, मेरे को आता है बस। अगर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर आ गया पर कंसेप्ट वही है, तो दावे के साथ कहता हूं मैं कोई भी आंसर देने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन होना चाहिए था आपका माइंड नहीं ट्रेन हुआ, यू आर जस्ट बिहाइंड द मार्क्स, आपको मार्क्स आने चाहिए 100 out of 100, आपने दिन रात पढ़ाई की, बस वही काम किया, क्या छापने का काम किया। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, कैसे क्या सर, सर कुछ भी बोलते हैं, चलो एग्जांपल देता हूं। बच्चों आपने सीखा, क्या सीखा, जैसे कि एक एग्जांपल दे मैंने आपको, एक एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सर हाँ, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी भी भीड़ सामने बैठी मेरे सामने 150-200 बच्चे, सबके मन में आ गया, मैंने कुछ बात भी नहीं की, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बिल्कुल सही, इसका फैक्टर पढ़ाओ, सबके मन में आ गया, अरे उसका फैक्टर गिराने के 3 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, आपको जो पसंद आई उसे सॉल्व करो। तो बच्चों ने इसको प्रेफर किया फैक्टराइजेशन मेथड से, सबने नीचे मुंडी डाल के सॉल्व करने की कोशिश की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
2x plus 6 equal to 0, क्योंकि 1 into 6, 6 होता है, 6 के दो नंबर, 3, 2 जा 6 और 3 plus 2, 5, दो नंबर ऐसे चाहिए, उनका into 6 आना चाहिए, addition, subtraction, बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो वो आया नंबर 2 और 3, और फिर making a pair, फिर common, x plus 3 plus 2, x plus 2, 3 जा, equal to 0, तो एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर बैठा है उसको, तो ये जो इक्वेशन है x square plus 5x plus 6 equal to 0, तो हर किसी का जिसको 40% है उसने भी कोशिश की इधर उधर के आंसर आ गया x plus 3 x plus 2, इसमें कोई दुविधा नहीं, एग्री। आप सोचने वाली बात, now it's time to think, are you really able to think? अब मैंने क्वेश्चन क्या किया, सेम क्वेश्चन है, x square plus 5x plus 6 equal to 0. Can you find the factor x plus 3 and x plus 2? The given equation is quadratic equation x square plus 5x plus 6 equal to 0. इसके factors क्या होते हैं x plus 3 x plus 2? उसको हमने solve किया तीन तरीके की method से, क्योंकि हर किसी को पता है। अब मेरा question है, with the help of graph, graph की मदद से क्या आप दिखा सकते हैं क्या कि हाँ इसको मैंने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उसके फैक्टर कुछ तो भी ऐसे आते हैं x plus 3 x plus 2, आप दिखा सकते हैं क्या? आपको टाइम भी दिया, 20 मिनट दिए, एक घंटा दिया, बच्चे जैसे क्वेश्चन बच्चों ने सोचा या सुना, क्या क्वेश्चन सुना, x square plus 5x plus 6 equal to 0, इसको ग्राफ के फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? अब यहाँ पे आ गई मुसीबत, क्या मुसीबत आ गई, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, यही तो हम फेल हो रहे, यहाँ पे हम फेल हो रहे, क्या फेल हो रहे, नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा, ग्राफ के फॉर्म में कैसे होता, नहीं होता है, फिर यही तो जिंदगी जाती है, एजुकेशन अगर तुमने दिल से पढ़ाई की तो जिंदगी में जो मुसीबत आती है, अनसर्टेनिटी, अनडिफाइंड क्वेश्चन जो मुसीबत आती है, उसका हम सोल्यूशन देते हैं, कौन देता है, अगर किसी बच्चे ने इसको सोचने की कोशिश की कि देखो अब मैं कोशिश करके देखता हूं कि इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कुछ तो भी एडजस्टमेंट करके क्या फैक्टर x plus 3 और x plus 2 आते हैं क्या, चलो देखते हैं, जस्ट ट्राई, आपके तो बस की बात नहीं, सबको पता है y एक्सिस, सबको पता है x एक्सिस, अब ये जो x स्क्वायर है इसको यहां पे दिखाना है, अब तीन टर्म्स है, एक साथ तो नहीं दिखाता मैं, पर एक साथ एक के बाद एक दिखाने की कोशिश करता हूं, x स्क्वायर, इसको मैंने x स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये जो x स्क्वायर है उसको मैंने स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, आ गया स्क्वायर, अब यहां से यहां तक इसकी साइड कितनी है x, यहां से यहां तक इसकी साइड कितनी है x, बन गया स्क्वायर, अब इसकी जो एरिया होने वाली क्या होने वाली x स्क्वायर, x स्क्वायर को मैंने ऐसे दिखा दिया, एग्री सर, सर फिर 5x कैसे दिखाओगे, डरो मत ना, तो 5x दिखाने के मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप ली, उसकी जो लेंथ है x, यहां से यहां तक कितना है x है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, ठीक है, एक स्ट्रिप कितने चाहिए 5x, तो मैंने क्या किया ऐसे 5 स्ट्रिप्स थे, 1, 2, 3, 4 और 5 ले सकता हूं, हाँ, अब इसको फिट करना है, यहां से यहां तक कितना है x, यहां से यहां तक कितना है x, चलो ठीक है, 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप 3, 4 and 5, 1 1 यूनिट के, ठीक है, 1, 1, 1, 1, 1, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 5x, मैंने बस इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे, चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक है, x स्क्वायर को हमने एग्री किया, x स्क्वायर आ गया, 5x भी आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, उसकी एरिया कितनी होगी 5x होने वाली, हाँ सर, अब 6 की बारी, ठीक है, जब मैं 6 के बारे में सोचता हूं, इसके फैक्टर गिनने की कोशिश की मैंने, 1 into 6, 6 होता है, नहीं तो 6 को 2 into 3 बोलो, नहीं तो 3 into 2, 6 के फैक्टर आ गए, अब इसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है, 1 into 6 इसको तो नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि ऐसे मेरे पास x साइड है और ऐसा 1 यूनिट है, नहीं होता, 3, 2 जा 6, इसके साथ इसको नहीं, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कि एक बॉक्स है, चलो एक एक बॉक्स है, कितने बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स है, ठीक है, 1 यूनिट 1 यूनिट, हर बॉक्स
हर बॉक्स वन वन यूनिट का है, हर बॉक्स वन वन यूनिट का है, तो वन 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 इसको मैंने थ्री इंटू टू, जो थ्री इंटू टू फैक्टर है इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, थ्री इंटू टू जो फैक्टर है इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये तो टू इंटू थ्री ये तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, वन 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 हर एक बॉक्स वन वन यूनिट का है, टू इंटू थ्री इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू थ्री। पर सर इसको आप फिट कैसे करोगे, इसके फॉर्म में फिट कैसे करोगे? चलो ठीक है ठीक है। अब इसके साथ मैंने क्या थोड़ी एडजस्टमेंट किया, इसके साथ मैंने थोड़ी एडजस्टमेंट की ठीक है, ऐसे फिगर। अब दूसरी फिगर एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स ठीक है ठीक है। ये जो फाइव एक्स है इसके साथ मैंने थोड़ी एडजस्टमेंट की, कैसे एडजस्टमेंट की, जैसे कि एक दो तीन, पूरे कितने पांच है, तो तीन यहाँ पे रख दिए और जो दो है वो नीचे भेज दिए, चलता ना, क्यों यहाँ पे भी एक्स है ना, इसकी लेंथ कितनी है एक्स है, तो बस ऐसे फिट किए ठीक है। हाँ चलो जो 5x था उसको मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x, अब थोड़ी जगह बची है, अब थोड़ी जगह बची है, यहाँ पे जो जगह बची है वो कितनी होने वाली है, हाँ नीचे दो ऊपर तीन, एक दो तीन, अरे नीचे दो। अब ये जो 2 इंटू 3 फैक्टर है वो कहाँ पे, ये जो बॉक्स है ये कहाँ पे फिट होने वाला है, यहाँ पे फिट होने वाला है। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होने वाला है 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होने वाला है 3 यूनिट होने वाला है। जो आखिरी में जो भी कुछ बनने वाला है उसकी पूरी लेंथ कितनी है x प्लस 2 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई x प्लस 3। अब x प्लस 2 और x प्लस 3 किसके फैक्टर है, इस फिगर के, ये जो फिगर बनी है किसके माध्यम से बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 उसके माध्यम से बनी, मतलब अरे हाँ बस हमें सिखाया नहीं गया सर, भारी ना भारी छोड़ दो खड्डे में छोड़ दो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक तरीका था, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। काश उस दिन जब तुम 10 के बाद पास होने वाले हो और ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने में आप काबिल बन गए, बस सोचो 150-200 बच्चे आपके सामने, उस भीड़ में एक सर ने ऐसा क्वेश्चन किया कि उसका जो कंसेप्ट है वो 10 बेस है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो काम आने वाला है तुम्हारे साथ आने वाला है वो है तुम्हारा माइंड, ब्रेन, थॉट प्रोसेस, क्या वो तुम्हारे साथ आने वाले। अगर तुमने बस उस दिन उस भीड़ के सामने अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया, ऐसे कुछ भी पूछा दिया, तो बस महसूस करो तुम्हें एक अलग अजीब सा फील होने वाला है, और फिर आंसर देने के बाद समझो वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड, नाउ टेल योर नेम। अब सर खुद पूछ रहे क्या, व्हाट इज योर नेम, तब आप बोलोगे माय नेम इज एक्स वाई जेड, फ्रॉम व्हिच स्कूल, फ्रॉम एक्स वाई जेड स्कूल। अरे यार, तब आपने दो काम किया, एक तो अपनी भी इज्जत बढ़ाई और अपने पेरेंट्स की भी, और दूसरे आपने स्कूल को रिटर्न बैक किया। क्या रिटर्न बैक किया, यार मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर थे, उनके कारण आज मैं यहां तक आया और एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया कि बस पूरी दुनिया देखते रही, फिर आपकी हवा हो जाएंगी, उससे क्या होता है फिर आपको, और आप खुद मोटिवेट होते, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, आप एक नहीं दो नहीं आप तीन तीन चार चार किताब पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि आप हर किसी का कॉन्सेंट्रेशन आप पे, हर किसी की सोच, हर किसी की समस्या का सोल्यूशन कोई देने वाला है, तो बच्चों में अपने जैसा बच्चे ढूंढते कि हाँ हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, हेलो आई एम दिस, हेलो आई एम दिस, हेलो आई एम दिस, बातें बनती है, आदमी मोटिवेट होता है और फिर एक राजा बनता है जो अपना पर्पस है। हर किसी को राजा बनाऊंगा, हर कोई राजा नहीं बन सकता है ये उतना सच है, पर हर किसी को वहां तक जाने के लिए बैठने के लिए जो क्षमता चाहिए वो मैं विकसित कर दूंगा मेरी साइड से। ओके बस चलो, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो मैथमेटिक्स है, इधर उधर की बात बंद, सीधा मुद्दे बात है मैथमेटिक्स। पार्ट वन में 6 चैप्टर है, पार्ट टू में 7 चैप्टर है। जैसे कि मैं पार्ट वन की बात करूं, सबसे पहले चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। जो 6 चैप्टर है प्रैक्टिस सेट 1.1 टू 6.6 या 6.5 पूरी की पूरी एक महीने में मैंने सब लिख डाला, माइंड में सेट किया। जब आ रही बात पार्ट टू की, पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, देन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन। कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर।
पढ़ाई कैसी करने की, कि ये जो 6 चैप्टर एंड 7 चैप्टर नियर अबाउट 13 चैप्टर से उसका हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब मैं वो सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बस मैंने आपको पहले एक झलक दिखाई कि एज अ मैथ्स टीचर व्हाटएवर द कंटेंट्स आर द इन द टेक्स्ट बुक दैट ईच एंड एवरी कंटेंट शुड बी इन माय माइंड देन व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डिलीवर आई कैन डिलीवर विद फुल कॉन्फिडेंस एंड द डे व्हेन आई डिलीवर एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट विद फुल कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक स्टूडेंट कैप्चर इट बाय गिविंग एडवाइस टू द स्टूडेंट। बच्चों को एडवाइस देने से अगर बच्चे सुधर जाते वो नाम संभव नहीं है। बच्चे कब सुधरते, बच्चे ऑब्जर्व करते कि मेरा टीचर है कैसा सिखा रहा है, वो ऑब्जर्व करते और फिर उसका अनुकरण होता है, उसको फॉलो करते तब जाके सक्सेस आता है। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा कि उसके बाद पढ़ाई करने की जरूरत नहीं आपको। आप वीडियो बड़े होने वाले 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के बनाना ही पड़ेंगे, पर एक साथ जानकारी आपके सामने आनी चाहिए कि हाँ जितना मैंने सिखाया उतना आपको याद करना है, बस जितना सिखाया बस उतना याद करो, फिर आप सोच सकते हो और जिस दिन आपने सोचना चालू किया आपका काम बन गया। फॉर टुडे इट्स ओके। जय हिंद।